हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकिता शर्मा, वेलकम टू माय चैनल हेम एजुकेशन। तो आज मैं कुछ ईवीएस के क्वेश्चंस लेके आई हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए, तो चाहे केवीएस हो, सीटेट हो या एनवीएस हो। तो ये पार्ट वन है उन क्वेश्चंस का, तो थोड़े से क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, ये आपको क्वेश्चन कैसे लगे या कैसे हो सकते हैं, आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे इस जो वीडियोस की, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं ईवीएस के ये क्वेश्चंस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, जो आज का टॉपिक है ईवीएस का। अब मैंने क्या करना है, ईवीएस का जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं सबके ऊपर मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आऊंगी। तो ये जो टॉपिक है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसके ऊपर ही कम से कम पाँच या छः पार्ट जो होंगे या ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनमें ये जो क्वेश्चंस हैं, ये 15 से 20 क्वेश्चन जितने भी एक वीडियो में होंगे वो कवर होंगे। तो इस तरह से जितने भी टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सीटेट के लिए या केवीएस के लिए या एनवीएस के लिए, जो भी हमारा जो टीचिंग एग्जाम है या किसी भी स्टेट के टेट के लिए, टीईटी के लिए, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं लेके आऊँगी हर एक टॉपिक के ऊपर। अगर आपको चाहिए वो नोटिफिकेशन तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर, कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा टिन जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो हैं, नंबर वन मलेशिया, नंबर टू इंडिया, नंबर थ्री चाइना एंड नंबर फोर श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर है वो है चाइना। चाइना जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टिन जो है प्रोड्यूस करता है। अब चाइना कितना टिन एक साल में प्रोड्यूस कर लेता है, राउंड अबाउट 1,25,000 मैट्रिक टन्स ईच ईयर। तो इसका जो सही आंसर है वो है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर आर नोन एज, जो रिसोर्सेज हर तरफ हर जगह पाए जाते हैं, हर तरफ पाए जाते हैं, उसको उनको क्या कहते हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यूबिक्विटस, ऑप्शन बी नेचुरल रिसोर्सेज, ऑप्शन सी मैन मेड रिसोर्सेज, ऑप्शन डी रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूबिक्विटस। अब हमारे पास एक्चुअली अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, तो दो तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मैं रिसोर्सेज की बात करी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो दो तरह के होते हैं, नंबर वन लोकलाइज्ड एंड नंबर टू इज यूबिक्विटस। लोकलाइज होते हैं जो एक स्पेसिफिक जगह में ही पाए जाते हैं, जो जैसे मिनरल्स होते हैं, मिनरल जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, तो ये सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पे ही पाए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं लोकलाइज। और यूबिक्विटस होता है जो हर जगह पाए जाते हैं, जैसे हो गया एयर या सनलाइट हो गया। तो ये कुछ जो रिसोर्सेज हैं दो तरह के हो गए, लोकलाइज एंड यूबिक्विटस, जो हर जगह पाए जाते हैं उनको बोला जाता है यूबिक्विटस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंड कवर्स हाउ मेनी परसेंट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस, हमारा जो अर्थ का सर्फेस है उसमें से लैंड कितना परसेंट एरिया जो है वो कवर करता है। इसकी जो ऑप्शन है वो है 30%, 40%, 60% एंड 70%। तो इसका सही आंसर है 30%, क्योंकि बाकी जो 70% है वो है वाटर, तो लैंड कितना कवर करता है 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, हम बात कर रहे हैं सॉइल फॉर्मेशन की, तो कौन कौन से फैक्टर जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक, नंबर टू क्लाइमेट फैक्टर्स, नंबर थ्री द टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, मतलब ऑल ऑफ द अबव, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो सॉइल फॉर्मेशन के ऊपर, सॉइल फॉर्मेशन इनके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस इन विच द डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश इज नोन एज। हाँ, पहले हम क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन है क्या कि जब हम कोई किसी खेत में फसल उगाते हैं तो उसके बीच बीच में क्या है, ऑल्टरनेट रोज, मतलब एक फसल उगाए तो बीच बीच में जो खाली जगह है ये ऑल्टरनेट रो में हम कोई और फसल उगा देते हैं, उसको क्या कहते हैं, और वो भी डिफरेंट टाइम पे, ऐसा नहीं कि जब एक फसल उगाई उसी टाइम पे दूसरी, नहीं, जब एक फसल उगाई वो थोड़ी सी ग्रो कर गई तब हम दूसरी फसल उगाएंगे, इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है इंटरक्रॉपिंग, ऑप्शन बी क्रॉप रोटेशन, ऑप्शन सी टेरेस फार्मिंग एंड ऑप्शन डी इज कंटूर क्रॉपिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इंटरक्रॉपिंग, इसको अंतर्वर्ती फसल भी कहा जाता है या अंतर फसल और मिक्स्ड क्रॉपिंग भी इसको कहा जाता है। तो
क्योंकि जो हम फसल उगाते हैं तो बीच बीच में जो खाली जगह होती है वहां पे दूसरी फसल जो है वो उगा दी जाती है, इसको इंटरक्रॉपिंग या मिक्स्ड क्रॉपिंग भी कहते हैं। अब इसका अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो ग्रीन ग्राम जो होता है, जो मूंग की दाल होती है, हरे मूंग की दाल, उनको एज ए इंटरक्रॉपिंग ही उगाया जाता है। अगर क्रॉप रोटेशन की बात करें, क्रॉप रोटेशन होता है कि अगर हमने किसी खेत में एक फसल लगाई है, उसकी हार्वेस्टिंग के बाद हम कोई दूसरी फसल लगाते हैं, सेम रिपीट नहीं करते। वो इसलिए ताकि जो हमारी सॉयल है, जो मिट्टी है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो, उनकी जो क्षमता जो है वो बनी रहे। आगे टेरेस फार्मिंग की बात करें, टेरेस फार्मिंग क्या होती है, अगर हम हिल स्लोप्स की बात करें, जो माउंटेन्स होते हैं, हिल स्लोप्स होते हैं, वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे टेरेसेस बनाए जाते हैं छोटे छोटे। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि अब वहाँ पे ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल प्लेन्स होते हैं, हिल्स होती हैं, तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स की तरह, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, वैसे स्टेप्स की तरह टेरेसेस बनाए जाते हैं। वो क्यों बनाए जाते हैं, और उसके ऊपर फसल उगा जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि अगर बारिश होती है तो सॉइल इरोजन ना हो, क्योंकि अगर एक स्टेप से अगर मिट्टी बह के आती भी है तो दूसरे स्टेप में रुक जाएगी, दूसरे टेरेस पे रुक जाएगी, इसीलिए वो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए टेरेस फार्मिंग वहाँ पे की जाती है। और अगर हम बात करें कॉन्टूर क्रॉपिंग, कॉन्टूर क्रॉपिंग को हम समोच्च खेती भी कहते हैं। कंटूर खेती ये कैसी होती है, ये एक्चुअली क्या किया जाता है कि जो किसान क्या करते हैं कि जो खेत बनाते हैं उसके साइड साइड में ढलान बना देते हैं, बॉर्डर जिसको कहते हैं, थोड़ी सी ऊंची सी ढलान बना देते हैं। ये किस लिए, ताकि हम सॉइल इरोजन को रोक सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, कॉपर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। इसके जो ऑप्शन हैं वो है ब्राजील, नंबर टू पेरू, नंबर थ्री अर्जेंटीना एंड नंबर फोर चिली। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, चिली। और दूसरी बात ये है कि ये जो चारों कंट्रीज हैं, ब्राजील, पेरू, अर्जेंटीना और चिली, ये सारी कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ती हैं, साउथ अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा बॉक्साइट कौन सी कंट्री में प्रोड्यूस होता है। इसके ऑप्शन है रशिया, चाइना, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अब इसको याद रखने का एक और इजी सा तरीका है, बॉक्साइट किसका हो रहा है, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम किससे बनता है, बॉक्साइट से, तो ए फॉर एल्यूमिनियम एंड ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो इसको याद रखने का ये इजी सा मेथड है, मैंने ऐसे याद रखा है इसलिए मैं आपको बता दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बरिड सनशाइन, किसको बरिड सनशाइन के नाम से जाना जाता है। नंबर ए गोल्ड, बी पेट्रोलियम, सी कोल एंड डी डायमंड। तो इसका सही आंसर है कोल। इसको बरिड सनशाइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि अब कोल बनता कैसे है कोयला, क्योंकि जो बहुत साल पहले, हजारों लाखों साल पहले जो भी हमारे पास प्लांट्स थे या जो एनिमल रिमेनिंग्स थी, वो जब मिट्टी में दब गई तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो सारा किसमें कन्वर्ट हो गया, कोयले में। तो इसलिए इसको बरिड सनशाइन जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल। अब इस क्वेश्चन में आप सोचोगे कि बरिड सनशाइन ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास जो पेड़ पौधे होते हैं जो मिट्टी के नीचे दब गए हैं, जिनसे कोयला बना है लाखों हजारों साल पहले, तो हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस में किसका यूज करते हैं, वो सनलाइट का, सनलाइट का। इसीलिए इसको बरिड सनशाइन जो है वो, सनशाइन जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल, इंडिया, यूएसए, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। अब सबसे ज्यादा जो है कोल कहाँ प्रोड्यूस होता है, ऑप्शन है सी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड मतलब काला सोना किसे कहा जाता है। ऑप्शन है कोल, बॉक्साइट, पेट्रोलियम, इसका सही आंसर है पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोलियम किससे बनता है, क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल कैसा होता है कलर में, ब्लैक, और इसकी हाई प्राइसिंग के कारण इसको गोल्ड कहा जाता है, इसलिए इसको काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वर्ल्ड की ऐसी पहली कंट्री जिसने सबसे पहले जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी से बिजली का उत्पाद करना उसको प्रोड्यूस किया, तो कौन सी कंट्री थी, ए चाइना, बी नॉर्वे, थ्री इंग्लैंड एंड द फोर इज यूएसए। तो इसका सही आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे ही ऐसी कंट्री है, पहली कंट्री है जहां पे सबसे पहले जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स।
जियोथर्मल क्या होता है सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। जियो मीन्स अर्थ एंड थर्मल मीन्स हीट, मतलब अर्थ के सर्फेस से निकलने वाली हीट, उसको क्या कहा जाता है? जियोथर्मल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले, नंबर वन चाइना, नंबर टू यूएसए, नंबर थ्री कैनेडा एंड नंबर फोर इज जापान। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूएसए। यूएसए में सबसे ज्यादा जियोथर्मल पावर प्लांट्स है। जियोथर्मल क्या होता है? जो भी हमारे पास, जिसको बोल सकते हैं एनर्जी जनरेटेड एंड स्टोर्ड इन द अर्थ। क्योंकि अब जैसे जो हम जानते हैं, जैसे अगर हम बात करें इंडिया की जैसे हिमाचल में मणिकरण जो जगह है, वहाँ पे जो है वो गर्म पानी, नेचुरल जो है गर्म पानी के स्रोत हैं, तो उसको अगर हम यूज कर सकते हैं वहाँ पे जियोथर्मल पावर प्लांट्स बनाने के लिए, जिससे हम जो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे जो सोर्सेज हैं वो यूएसए में बहुत ज्यादा है, इसीलिए जियोथर्मल पावर प्लांट्स ही वहाँ पे सबसे ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड। मतलब हमें रिसोर्सेज को बैलेंस करके यूज करना है और उन्हें फ्यूचर के लिए बचा के रखना है, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी रिसोर्स कंजर्वेशन, ऑप्शन सी रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑप्शन डी इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, रिसोर्स कंजर्वेशन है, थोड़े से सिमिलर से हैं पर फिर भी डिफरेंट है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है रिसोर्सेज को बैलेंस तरीके से यूज करना है, ताकि हम उनको फ्यूचर के लिए या आने वाली जनरेशन के लिए बचा के रखें। और रिसोर्स कंजर्वेशन होता है कि उनको इतने केयरफुल तरीके से यूज करना है कि हम उनको यूज करें और उनको इतना टाइम दें कि वो रिन्यू हो सके। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब बैलेंस तरीके से यूज करो और फ्यूचर के लिए बचा के रखो। और अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट उन रिसोर्सेज के लिए जो नॉन रिन्यूएबल हैं, क्योंकि हमें पता है जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारे सोर्सेज ऐसे हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं, कि एक ना एक दिन अगर इनको यूज कर देंगे तो खत्म हो जाएंगे। तो उनको हम बैलेंस तरीके से यूज करें और अपने फ्यूचर के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा के रखें। और रिसोर्स कंजर्वेशन है जो रिन्यूएबल है, कि उनको इस तरीके से यूज करें समझदारी के साथ, कि उनको हम थोड़ा टाइम दे सके कि वो जो है वो रिन्यू हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल परसेंट ऑफ लैंड ऑफ वर्ल्ड कम्स अंडर फॉरेस्ट। इसका सही आंसर है बी, 31%। 31% ऑफ लैंड ऑफ वर्ल्ड कम्स अंडर फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो इसका सिमिलर सा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया। ऑर्गेनिक मैटर, यस इट इज अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। टाइम, बिल्कुल। सॉइल टेक्सचर, नो, सॉइल टेक्सचर का सॉइल फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है। सॉइल टेक्सचर से तो हम ये पता चलता है कि सॉइल जो है स्मूथ है या स्टिकी है, कैसी है, तो इसका सॉइल फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल डिग्रेडेशन। मैं यहाँ पे शायद लिखना भूल गई, इसका यहाँ पे सॉइल डिग्रेडेशन आएगा। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? केमिकल फर्टिलाइजर्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। केमिकल फर्टिलाइजर से जो सॉइल की न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम होते हैं, लैंडस्लाइड से सॉइल इरोजन होता है, फ्लड से भी सॉइल इरोजन होता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो सॉइल डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कौन कौन से है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो एक बार खत्म हो गए तो दोबारा से उनको बनने के लिए लाखों हजारों साल लग सकते हैं? तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल ये सारे जो हैं, इसका मतलब ऑप्शन डी जो है सही है। सारे रिसोर्सेज जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इसीलिए इनके लिए सस्टेनेबल, हमने वो पढ़ा था ना पीछे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनके लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम इनको इस तरीके से यूज करें ताकि हम इनको अपने फ्यूचर और आने वाली जनरेशन के लिए बचा के रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस इन विच बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स is covered with a layer of organic matter like straw is called। अब क्या होता है, ये questions देखते हैं पहले क्या होता है। ये जो हम plants होते हैं, जो पौधे लगाए हैं, उनके बीच की जो खाली जगह है उसको हम organic matter से ढक देते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है mulching। mulching क्या होती है कि हमने क्या किया, जो भी पेड़ पौधे होगा, मतलब जो हमने मान लो अपने बगीचे में पेड़ लगाया, उसके बीच के जो खाली जगह है उसमें हम ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? जो भी हमारे पास एनिमल वेस्ट है या प्लांट वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट है, किचन वेस्ट है, उसको उससे जो
हमारे पास जो ऑर्गेनिक मैटर तैयार होता है उसको हमने डाल दिया, तो उसको मल्चिंग कहते हैं। अब मल्चिंग के क्या फायदे होते हैं? मल्चिंग क्या करता है, ये सबसे पहले तो सॉयल में मिट्टी में मॉइस्चर बना के रखता है। नंबर टू ये क्या करता है, जो बीड्स होते हैं उनकी ग्रोथ को कम करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके ग्रोथ को ये एनकरेज करता है, हेल्प करता है। तो इसका सही आंसर है मल्चिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज विटीकल्चर। विटीकल्चर किसको कहा जाता है? ऑप्शन है ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, ऑप्शन बी ब्रीडिंग ऑफ फिश, ऑप्शन सी रीडिंग ऑफ सिल्फॉर्म्स एंड ऑप्शन डी इज कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स। और ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स को क्या कहा जाता है? तो ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स या फ्लावर्स या फ्रूट्स, मतलब कमर्शियल यूज पे अगर हमने वेजिटेबल्स फ्लावर्स या फ्रूट्स को उगाते हैं तो उसको कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। और फिश की ब्रीडिंग को, मछली पालन को कहा जाता है पिस्किकल्चर। और जो सिल्क वॉर्म्स की रीडिंग को कहा जाता है, मतलब हमें जो सिल्क वॉर्म्स हैं उनकी पालन करने, उनको पालन पोषण के लिए उसको कहा क्या जाता है, उसको कहा जाता है सेरीकल्चर। तो तीन, मैंने तीन चार बता दिया आपको, हॉर्टिकल्चर, पिस्किकल्चर, सेरीकल्चर एंड द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स इज नोन एज विटीकल्चर। ओके, नेक्स्ट इज द शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। शिफ्टिंग कल्टिवेशन, शिफ्टिंग कल्टिवेशन किसकी एक टाइप है? ऑप्शन है कॉमर्शियल फार्मिंग, ऑप्शन बी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है? इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक तो होगी हमारे पास शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो मैंने हमने ऊपर पढ़ी, और दूसरी इसकी टाइप होती है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है? अब जैसे जो हर्ड्समैन होते हैं, जो शेफर्ड्स होते हैं, जो पशुपालन करते हैं, जैसे शीप्स होगी, गॉड्स होगी, याक्स, कैमल्स, तो वो मूवमेंट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ, मूवमेंट करते हैं इन सर्च ऑफ फॉडर एंड वाटर, तो उसको नोमैडिक हर्डिंग कहा जाता है। और शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होती है? अगर हम शिफ्टिंग कल्टिवेशन की बात करें, ये ज्यादातर उन एरियाज में प्रैक्टिस की जाती है जहां पे ज्यादा बारिश होती है, अगर हम नॉर्थ ईस्ट एरिया की बात करें। अब वहां क्या है, वहां क्या किया जाता है, ज्यादा बारिश होने की वजह से क्या होता है, ज्यादा जो रीजनरेशन ऑफ प्लांट्स है वो ज्यादा जल्दी होती है, वो ज्यादा जल्दी ग्रो करते हैं क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है सॉइल में। तो वो वहाँ क्या क्या रहता है, एक हिस्से को जो है वो जमीन के एक हिस्से को वहाँ पे पेड़ काट दिए जाते हैं, उनको जला दिया जाता है। उससे क्या होता है, जो उनका जो पेड़ जलने के बाद उसकी जो राख है वो मिट्टी में मिल जाती है, और जो सारे न्यूट्रिएंट्स है वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं, तो उसकी जो जिसका कहते हैं ना उपजाऊ की क्षमता वो बढ़ जाती है। तो इसलिए वहाँ पे खेती की जाती है अगले 4-5 साल के लिए। फिर जब लगता है उनको कि जो सॉइल है वो अब उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं, तो उसी तरह से दूसरे पार्ट को खाली किया जाता है, वहां पे पेड़ काट के उसको जलाया जाएगा और जो पहला वाला ग्राउंड है उसको खाली छोड़ देंगे ताकि वहां पे पेड़ पौधे उगाएं। तो इस तरह से शिफ्ट शिफ्ट कर करके कि 4-5 साल एक जगह पे की, फिर उसको छोड़ दिया और 4-5 साल दूसरी जगह पे की, तो इस तरह से इसको शिफ्टिंग कल्टिवेशन कहा जाता है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस जो एग्रीकल्चर है उसकी दो टाइप्स होंगी, शिफ्टिंग एंड नोमैडिक। और कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, मैं ये भी थोड़ा सा बता देती हूँ, मैं इसको इरेज कर लूं। ओके, कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, जो व्यापार के नजरिए से की जाती है कि हमें के जो सीधे जो है वो हमें फसल उगानी है बेचने के लिए, तो वो कमर्शियल हो गया। और इसमें भी कैपिटल भी ज्यादा देनी पड़ती है, हमें ज्यादा लेबर की जरूरत होती है, ज्यादा इनपुट की जरूरत होती है, ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, नई नई टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है। तो ये कमर्शियल फार्मिंग, प्राइमेटिव हमने बता दिया, एक शिफ्टिंग और नोमैडिक। और तीसरी जो ऑप्शन है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इसमें जो छोटे किसान होते हैं, जो छोटे जमीन पे खेती करते हैं, किस लिए, सिर्फ अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, उसको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहा जाता है। और ऐसा क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक केवीएस का जो पिछला पेपर हुआ था 2018 में, उसमें आया हुआ था। उसमें उन्होंने सीधा पूछा था कि कोई फार्मर जो है सिंपल टूल्स के साथ अपनी जमीन पे खेती कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सीधी सी बात है, किसान अपना भरण पोषण करने के लिए छोटे से खेत पे खेती कर रहा है हैंड टूल्स के साथ, क्योंकि अगर थोड़ी जमीन है उसमें बड़े बड़े वो हार्वेस्टर्स तो यूज करेगा नहीं। तो इसमें, और इसमें एक चीज और याद रखने की है इसमें, कि इसमें क्या होता है इंटेंसिव, इसमें लेबर ज्यादा होती है क्योंकि एक ही परिवार के सारे सदस्य जो है मिलकर काम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड। ऑप्शन है चाइना, इंडिया, जापान, इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है चाइना। तो चाइना हमने देख लिया, टिन का भी सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है, कोल में भी सबसे ज्यादा ये आगे है, और राइस में भी।
और एक चीज और याद रखने वाली है कि चाइना जितना भी जो राइस प्रोड्यूस करता है जितनी भी जमीन पे उसमें से 90% वो है जो इरिगेशन करता है, सिंचाइयों जो है खुद प्रोवाइड करता है, और 10% जो है वो रेन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने एफर्ट लगाता है ये। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन, पार्ट वन है ये। तो अब मैं ये जो सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर, ईवीएस का जो टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो इसके ऊपर ही सिर्फ पार्ट वन है ये। इसके ऊपर और अभी 3-4 वीडियोस आनी है। तो मैं इसी तरह से ईवीएस के जितने भी टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए, केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, कोई भी टीचिंग एग्जाम है, मैं सारे क्वेश्चन जो है वो उस पर कवर करूंगी और लेके आऊंगी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, या इसमें मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, या आपको और किस कंटेंट पे वीडियो चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिले मेरी वीडियो की, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।